सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो एक भारतीय होने के साथ साथ एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते भी आपको मालूम होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। परमवीर चक्र भारत का वो सैन्य सम्मान है जो दुश्मन की मौजूदगी में उच्च कोटि की शूरवीरता, विशिष्ट बहादुरी एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए हमारे वीर जवानों को प्रदान किया जाता है और इस परमवीर चक्र का ट्रांसलेशन व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव भी है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था और ये देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और जबकि मिलिट्री का ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगर बात करें इसके डिजाइन की तो परमवीर चक्र का जो मेडल है वो सर्कुलर शेप में आने वाला एक ब्रॉन्ज डिस्क है जिसका डायामीटर 1.375 इंचेस और मिलीमीटर में 34.9 mm है। इसके फ्रंट वाले हिस्से में सेंटर में भारत का राष्ट्र चिन्ह है जिसके चारों तरफ वज्र की चार कॉपीज हैं। वज्र जो कि किंग ऑफ द गॉड इंद्र का एक पौराणिक हथियार है और इसे इस मेडल पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो वज्र है वो सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि इस हथियार को बनाने के लिए ऋषि दधीच ने अपने जीवन का बलिदान दिया था और उनके अस्थियों के इस्तेमाल करके ही इस वज्र को बनाया गया था। और इस मेडल के रिवर्स साइड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में परमवीर चक्र लिखा हुआ है जो कि कमल के फूल से सेपरेट किए गए हैं। और इस परमवीर चक्र के मेडल को होल्ड करने के लिए पर्पल कलर के रिबन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी लंबाई 32 mm होती है और इंचेस में 1.3 इंच। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि परमवीर चक्र से सबसे पहले सम्मानित किए जाने वाले कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा इस मेडल को डिजाइन करने वाली सावित्री कनोलकर की डॉटर के ब्रदर इन लॉ थे और ये परमवीर चक्र एक ऐसे रेयर ऑनर है कि इससे आज तक केवल 21 वीर योद्धा ही सम्मानित किए गए हैं और अभी तक अधिकांश स्थितियों में ये सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया है, यानी कि ऐसे बहुत ही कम अवसर आए हैं जिसमें ये सम्मान जीवित रहते हुए किसी नायक ने ग्रहण किया है। और इंडियन मिलिट्री में केवल 3 ही नायक ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान जीवित रहते हुए मिला है, जिनमें सूबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार संजय कुमार और सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव शामिल हैं। और केवल यही नहीं बल्कि जिन 21 वीर योद्धाओं के इसे सम्मानित किया गया है उनमें से 20 इंडियन आर्मी से हैं और केवल एक इंडियन एयरफोर्स से। और जो इंडियन एयरफोर्स से हैं उनका नाम तो आप जानते ही होंगे, उनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों। और फिलहाल अभी तक इंडियन नेवी से किसी भी पर्सनल को इस परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। और इनके अलावा जो बाकी के योद्धा इस सम्मान से सम्मानित हुए हैं उनके नाम है राजपूत रेजिमेंट के नायक जादुनाथ सिंह, बॉम्बे सैपर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, सिख रेजिमेंट के लास्ट नायक करम सिंह, वन गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, 8 गोरखा राइफल्स के मेजर धान सिंह थापा, सिख रेजिमेंट के सूबेदार जोगिंदर सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह, द ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, पुनाहॉर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापोरे, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एका, पुनाहॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, द ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह धैया, महार रेजिमेंट के मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, 11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा। और परमवीर चक्र अपने साथ कुछ कैश अलाउंसेस भी कैरी करता है और अगर ये सम्मान मरणोपरांत किसी मैरिड पर्सनल को दिया जाता है तो उसकी पेंशन सीधे उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाती है जब तक कि उनकी डेथ नहीं होती या फिर जब तक कि वे दूसरी शादी नहीं करती हैं। और वहीं अनमैरिड पर्सनल के केस में ये अलाउंसेस सीधे उनके माता पिता को दिए जाते हैं और ये अलाउंसेस रेगुलर पे के साथ 20,000 रुपए पर मंथ तक होते हैं। और बाकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने परमवीर चक्र रेसिपिएंट के लिए अलग अलग अलाउंसेस बना रखे हैं। और परमवीर चक्र को जिस दिन स्थापित किया गया था यानी कि 26 जनवरी 1950, तब उसी दिन इसके नियमों को भारत के राजपत्र में स्थापित किया गया था और इसके करीब 14 अलग अलग तरह के नियम थे, लेकिन फिर 26 जनवरी 1980 में इन नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे जिसमें 12 क्लॉज डिलीट कर दिए गए थे और जबकि बाकी के बचे हुए उसी नंबर के अनुसार अरेंज किए गए हैं। और परमवीर चक्र के लास्ट अवार्डेड कैप्टन विक्रम बत्रा थे जो कि 7 जुलाई 1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और हमने कैप्टन विक्रम बत्रा पर एक बायोग्राफी भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और ये परमवीर चक्र US के मेडल ऑफ ऑनर और UK के विक्टोरिया क्रॉस के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।